आज मैं पाठ 7 क्या निराश हुआ जाए और इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस पाठ का सार बताने जा रही हूं। मनुष्य की विचार प्रणाली किस प्रकार कार्य करती है, किससे, कैसे और कहां से प्रेरणा पाकर हमारी मानसिक धारणा बनाती है, लेखक ने इसको स्पष्ट किया है। हर रोज हम समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी, भ्रष्टाचार आदि समाचार पढ़ते हैं। लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी नहीं रहा। परंतु लेखक का मत है कि निराश होने की आवश्यकता नहीं। भारत हमेशा महान था और रहेगा। कुछ बड़े विचारक या विद्वानों ने लेखक से कहा कि देश में फैली बुराइयों का सबसे बड़ा कारण यह है कि यहाँ जो ईमानदारी से कार्य करता है वह पिस रहे हैं और झूठे फरेबी तरक्की कर रहे हैं। झूठे फरेबी जो लोग हैं तरक्की कर रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता कहते हैं। इन विषम परिस्थितियों के कारण जीवन मूल्यों के विषय में लेखक की आस्था हिल जाती है। हमारे देश में कानून को धर्म का दूसरा रूप माना गया है। आज अचानक इसे अलग कर दिया गया। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, परंतु कानून को लोग धोखा देने से नहीं चूकते हैं। अब भी भारत में धर्म को कानून से बड़ा माना जाता है। सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता जैसे मूल्य दबे जरूर हैं, मगर नष्ट नहीं हुए हैं। हमारा देश प्रेम, सम्मान, सत्य, अस्तेय और पुण्य के आदर्श को सजोए हुए हैं। समाचार पत्रों में भ्रष्टाचार के खिलाफ जो इतना गुस्सा है उसका कारण हमारे मूल्य हैं। जब किसी के आचरण के केवल बुरे पक्ष की बात करके आनंद लिया जाता है तो अच्छाई छिपने लगती है। ऐसा लगता है बिल्कुल अनुचित है ऐसी घटनाओं को जिनसे लोगों में अच्छाई फैले चर्चा में लाना चाहिए। लेखक के जीवन में दो घटनाएं घटी, एक प्रेरक प्रसंग के अनुसार पाठ में लाया गया है। एक बार रेल का टिकट लेते समय लेखक ने 10 का नोट समझते हुए गलती से 100 का नोट दे दिया। गाड़ी में बैठा तभी उसे ढूंढता हुआ टिकट बाबू आया और 90 रुपया देते हुए क्षमा मांगने लगा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष था। लेखक चकित था। दूसरी घटना बस यात्रा की है। पत्नी और 3 बच्चे के साथ बस की यात्रा में लेखक रात के 10 बजे यानी बस में खराबी के कारण गंतव्य से 8 किलोमीटर पहले ही एक सुनसान जगह पर फंस गया। कंडक्टर उतरकर साइकिल से कहीं चला गया। बस की सवारी ने लूटपाट तथा भय की कहानियां शुरू कर दी। बच्चे पानी के लिए व्याकुल हो रहे थे। कुछ नौजवानों को यह सब ड्राइवर की साजिश लगी तो उसे मारने पीटने पर उतारू हो गए। उनकी कतार दृष्टि पर लेखक ने उनसे बचाया। लोगों ने ड्राइवर को एक स्थान पर घेर कर रखा। 2 घंटे में लेखक की पत्नी तथा बच्चे भोजन पानी के लिए तरप गए। लोग ड्राइवर की हत्या करने पर उतर गए। तभी एक खाली बस के साथ कंडक्टर आ गया। सबने बस अड्डे पहुंचकर ड्राइवर से माफी मांगी। दोनों घटनाओं की चर्चा करके लेखक पहली घटना को ठगी की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली बता रहे। दूसरा घटना के बाद वह विचार व्यक्त करता है कि कहीं
कैसे कहा जाए कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है? कैसे कहें कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी पूरी तरह से लुप्त हो गई है? लेखक निराश होने की जरूरत नहीं है, उन्होंने कहा। लेखक ठगा भी गया और धोखा भी खाया, पर विश्वासघात बहुत कम ही जगहों पर मिला। केवल धोखा खाया और निराश हुई जो तो जीवन नहीं चलता, ऐसी घटनाएं भी घटती हैं जब लोग बिना कारण ही मदद भी करते हैं। इसी आधार पर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हमें हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही है तो इसे बदलना होगा। आइए, दिन इन्हें बदला ही जा रहा है लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारत वर्ष को पानी की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन, निराश होने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद।